नमस्कार, मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैंने ये कौन सी रेसिपी बनाई है आप देख के पहचान ही गए होंगे। जी हाँ, मैंने बनाया है सांभर। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे, इनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने इसमें ये लिए है सब्जियाँ। तो मैंने ये गोभी ली है एक छोटा टुकड़ा, इसे मैंने मोटा काट लिया है। एक प्याज को भी मैंने मोटा काट लिया है। एक शिमला मिर्च ली है, एक आलू और थोड़ी सी मैंने लौकी ली है, सबको मैंने मोटा काट लिया है। और ये दाल को मैंने एक घंटे भिगो लिया है धो के, अरहर की दाल को। इसी कटोरी से मेजरमेंट करके मैंने एक कटोरी दाल ली है। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज बारीक काट लिया है। दो मीडियम साइज़ के टमाटर को इसको मैंने मोटा काट लिया है। सरसों का तेल लिया है और इमली को मैंने गुनगुने पानी में भीगने के लिए रख दिया है। और स्वाद अनुसार नमक लिया है। ये मैंने लिया है MDH का सांभर मसाला। अब ये ली मैंने तड़के के लिए चार सूखी लाल मिर्च और थोड़ी हींग लिए मैंने। इस चम्मच से मेजरमेंट करके मैंने एक छोटी चम्मच हींग लिया है और एक छोटी चम्मच सरसों के दाने और ये थोड़े कड़ी पत्ते। सूखे मसालों में लिया है मैंने इसी चम्मच से मेजरमेंट करके एक छोटी चम्मच हल्दी का और दो छोटी चम्मच धनिया पाउडर और एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कुकर में लेंगे हम थोड़ा सा सरसों का तेल और तेल गर्म हो जाने पर इसमें डालेंगे जीरा, और जीरा जब चटक जाए तो इसमें डालेंगे प्याज। और इस समय हम अपने गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, तो प्याज को भी हम लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो चलिए प्याज भून गए हैं, अब इसमें डाल देंगे टमाटर, और टमाटर को भी हम दो चार सेकंड के लिए ऐसे ही चलाते हुए भूनेंगे। और इसमें डाल देंगे अब स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद भी हमें एक दो सेकंड के लिए इसे ऐसे चलाते हुए भूनना है। तो देखिए ये भून गए हैं, अब इसमें डाल देंगे हम सूखे मसाले, और सूखे मसाले को भी डाल के हम दो तीन सेकंड के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। और फिर इसमें हम पानी डाल देंगे ताकि ये सभी मसाले अच्छी तरह से पक जाएं और टमाटर भी गल जाए। और इसको हम थोड़ा सा दो मिनट के लिए ढककर पकाएंगे मीडियम फ्लेम में। तो ये देखिए दो मिनट हो चुके हैं और मसाले देखिए सभी पक गए हैं, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और चारों तरफ से मसालों ने तेल छोड़ दिया है। तो अब डालेंगे इसमें अरहर की दाल जो हमने धो के रखी थी, इसे तुअर दाल भी कहते हैं कुछ लोग। तो इस दाल को भी डाल के मसालों में अच्छी तरह से भूनेंगे दो चार सेकंड के लिए, जब तक मसालों में दाल अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाते हैं तब तक हम इसे भूनेंगे। तो जब ये दाल में मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें डालेंगे हम सब्जियाँ, और सब्जियाँ हम वो डालेंगे जो आपके पास घर में अवेलेबल हो, आप वो सब्ज़ी डाल सकते हैं। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब्ज़ी हमारे पास नहीं है, ये नहीं, जो आपके पास घर में सब्ज़ी है आप वो डाल के सांभर बना सकते हैं। तो ये सब्ज़ी डाल दी हमने, अब इसको भी हम डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर जब ये मिक्स हो जाए तो फिर हम ढक्कन लगा के एक मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे ताकि हमारी सब्ज़ी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी। तो देखिए मिक्स हो गया, अब हम लगा देंगे इसमें थोड़ा सा ढक्कन एक मिनट के लिए। अब एक मिनट हो गए हैं, अब इसके बाद देखिए सब्जी थोड़ा सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें पानी डाल के और इसमें लगा देंगे ढक्कन और इसको बंद कर देंगे, और हाई फ्लेम में दो सीटी आने तक इसे पकने देंगे। फिर उसके बाद हम लो फ्लेम करके इसे 10 मिनट तक पकने देंगे। फिर गैस का फ्लेम बंद करके इसे इसका प्रेशर निकल जाने तक हम वेट करेंगे। तो जब इसका प्रेशर निकल जाए तो फिर हम इसे खोल के देख लेंगे। तो देखिए इसका ये प्रेशर ठंडा हो गया है और ये सांभर बन के तैयार हो गया है। अभी देखिए ये सब्जी थोड़ा खड़े हैं, बच्चे लोग इस तरह से पसंद नहीं करते हैं, तो इसे हम मैसर की सहायता से थोड़ा सा मैश कर लेंगे इस तरह से। और अगर आपको सांभर थोड़ा गाढ़ी लगे तो इसमें आप पानी और ऐड करके इसे पका सकते हैं अभी, लेकिन मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी और इतना ही रखूँगी मैं इसे। अब गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसमें डालेंगे इमली का पल्प और दो बड़े चम्मच सांभर मसाला डाल देंगे, और फिर इसे एक उबाल आने तक पकने देंगे इसे मिक्स करके। तो देखिए ये बहुत अच्छी बनी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें। तो इसे उबलने देते हैं, तब तक हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो एक तड़का पैन लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, अब इसमें डालेंगे सरसों के दाने, और फिर जब ये चटक जाए तो फिर इसमें डालेंगे हम हींग, और फिर इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ते। और जब हम ये तड़का लगाएं तो गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। अब डाल देंगे सूखी लाल मिर्च और इसको थोड़ा सा लो फ्लेम में चलाते हुए पका लेंगे। और जब हमारा तड़का तैयार हो जाएगा
तो फिर हम इसे डाल देंगे थोड़ा ठंडा करके अपने सांभर में। तो देखिए सांभर बन के तैयार हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है। मैंने इडली की रेसिपी भी अपने YouTube चैनल में अपलोड कर दिए है, आप उसे देखिएगा और ये ज़रूर बनाइएगा इसे। इसी तरह से आप मेरी कोई भी वीडियो देखें तो उसे आप लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट करने से मुझे आपके लिए नई रेसिपी बनाने में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलती है। और फिर मुझे आप बताइए कि मैं आपके लिए कौन सी रेसिपी बनाऊं। मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।